आज हमारी बिटिया मीनाक्षी गृह मंत्री के रूप में है आपके सामने। सुबह की जो मेरी समस्याओं का लगता है समाधान, वो उसने बहुत गंभीरता से सुनी भी और निराकरण के निर्देश भी दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये भारत ही है जहां नारी को पूजा जाता है। मां महात्मा और परमात्मा, इनका महत्व भारत की संस्कृति में प्रारंभ से रहा है, इसलिए हम भारत को माता कहते हैं। हमें ताकत चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाएं, विद्या चाहिए सरस्वती माँ के पास जाएं, लक्ष्मी पैसा चाहिए लक्ष्मी माँ के पास जाएं। विश्व के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जिसे माता कहते हैं, भारत माता। आपने कभी सुना कि पाकिस्तान को फादर कहा, चीन को डैडी कहा, होलुलुलू को फादर कहा, कभी सुना ही नहीं होगा आपने। ये सिर्फ भारत ही है जहाँ नारी की पूजा होती है। कहावते यस्य नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। और इसलिए आज मातृशक्ति के रूप में, नारी शक्ति के रूप में, मैंने अपने दिन की शुरुआत बिटिया मीनाक्षी को यह स्थान देके एक संकेत देने की कोशिश की है कि आप अपार शक्ति की भंडार हैं, आप अबला नहीं सबला हैं, और इसलिए आगे आओ और हम सब मिलके समाज के उत्थान में अपना संपूर्ण और बराबरी का योगदान दें। आज हमारी बिटिया मीनाक्षी गृह मंत्री के रूप में है आपके सामने। सुबह की जो मेरी समस्याओं का लगता है समाधान, वो उसने बहुत गंभीरता से सुनी भी और निराकरण के निर्देश भी दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये भारत ही है जहां नारी को पूजा जाता है। मां महात्मा और परमात्मा, इनका महत्व भारत की संस्कृति में प्रारंभ से रहा है, इसलिए हम भारत को माता कहते हैं। हमें ताकत चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाएं, विद्या चाहिए सरस्वती माँ के पास जाएं, लक्ष्मी पैसा चाहिए लक्ष्मी माँ के पास जाएं। विश्व के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जिसे माता कहते हैं, भारत माता। आपने कभी सुना कि पाकिस्तान को फादर कहा, चीन को डैडी कहा, होलुलुलु को फादर कहा, कभी सुना ही नहीं होगा आपने। ये सिर्फ भारत ही है जहाँ नारी की पूजा होती है। कहावते यस्य नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। और इसलिए आज मातृशक्ति के रूप में, नारी शक्ति के रूप में, मैंने अपने दिन की शुरुआत बिटिया मीनाक्षी को यह स्थान देके एक संकेत देने की कोशिश की है कि आप अपार शक्ति की भंडार हैं, आप अबला नहीं सबला हैं, और इसलिए आगे आओ और हम सब मिलके समाज के उत्थान में अपना संपूर्ण और बराबरी का योगदान दें।